एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 देयर आर टू क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस आर शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। हमारे पास दो क्यूबॉइडिकल फिगर दे रखे हैं, ये भी क्यूबॉइड है और ये भी क्यूबॉइड है, लेकिन जैसे ही जिस क्यूबॉइड के अंदर जो साइड है ना वो थोड़ा सा भी फर्क आता है साइड के अंदर, जैसे यहाँ देखो 50 50 50, लेकिन यहाँ पर आपके साइड अलग अलग है, अगर एक पॉइंट का भी फर्क आ गया तो वो आपके क्यूबॉइड कहलाता है, और कुछ भी फर्क नहीं हो तीनों में तो वो आपका क्यूब कहलाता है। तो ये तो है क्यूब और ये दे रखा है आपके क्यूबॉइड दे रखा है, तो इसमें दे रखा है डायग्राम को देखने को बोला, हमने डायग्राम देख लिया है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है आपके, तो ये तो है भाई लेंथ, ये है ब्रेथ और ये दे रखी है हाइट। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का एक ही नाम है और वो है ए, तीनों का एक ही नाम क्या है भाई आपके, ए नाम है, तीनों में एक ही नाम बोलते हैं, ए नाम कहते हैं। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है आपके, विच बॉक्स रिक्वायर लेस लेसर देन अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, मतलब इसमें मटेरियल कम लगेगा इसको बनाने के लिए, तो टोटल एरिया आपको लेना पड़ेगा, हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है इसका, तो हमें क्या करना है दोनों का टोटल सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया दोनों डायग्राम का लेना है, और इसने पूछा है किसका कम लगेगा, टी का मतलब टोटल, एस का मतलब सरफेस, इसका मतलब ई, हमें दोनों का टोटल सरफेस एरिया लेना है, जिससे मालूम चलेगा कि इसका कितना मटेरियल यूज होगा, मतलब इसको ढकने के लिए चारों ओर से कवर करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, वो मटेरियल हमें फाइंड करना है। एक तो है क्यूबॉइड और एक देर का क्यूब, तो दोनों का टीएस निकाल लो। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर टीएस, टीएस से मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको लेना है, बिल्कुल सिंपल है, टोटल इसमें 6 वॉल होती है, जैसे यहां ना आपके 4 तो ये रही 2 ऊपर वाला, ये दोनों टोटल आप कितना होता है 6 होता है, तो हमें सभी का एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एक तो लेंगे इसका एरिया एल इंटू बी, एक लेंगे ये वाला बी इंटू एच, और एक लेंगे यहां पर हम ये वाला, अब जैसा सामने दिख रहा है वैसे पीछे भी है, तो 2 टाइम एल बी 2 टाइम बी एच 2 टाइम एल एच, 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो गया भी हमारा फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्या आता है आंसर, देखो 2 का 2 एल प्लस एल इंटू बी, तो 60 40, तो ये आएगा भाई आपके 60 40 प्लस बी एच 40 50, तो ये हो जाएगा भाई आपके 40 और ये हो जाएगा भाई आपके 50 प्लस, फिर है ये दोनों, ये ऊपर वाला लेंथ इंटू हाइट, ये वाला लेंगे तो लेंथ इंटू हाइट आएगा, मतलब ये है ना एच एल, लेंथ इंटू हाइट आ जाएगा आपके ये वाला एरिया, इसको हम बोलते ये वाला सामने वाला, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा अभी आपके 50 इंटू 60 ये इंटू ये, इसका एल बी इसका एल एच इसका बी एच, सिक्स फोर जा 24 फिर आपका आया है 00, 4 5 जा 20 फिर आया है आपके 00, फिर है भाई आपके 30 फिर आया भी आपके 00, 2 and 2 4 4 and 3 7 ये आएगा आपके 7 4 00, डबल कर दो ये आएगा भी आपके 00, 4 2 जा 8 7 2 जा 14, तो कितना आएगा भाई 14 8000 ऐसा आपके आ गया। अब यहाँ देखो 14,800 ये आया है इसका एरिया, जोड़ वगैरह सब कुछ सही देख रहे ना भाई आराम से, 3 और 2 5 और 2 7400 उसका डबल कर देंगे ये हो जाएगा। अब जैसे हमने ये किया है ना क्यूब, वैसे क्यूब का फाइंड करना था, हम यहाँ पर अब क्यूब का फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ लेते हैं टी एस ए ऑफ क्यूब,
किसका लेंगे तो a into a, इधर भी a into a, इधर भी a into a, तो चार और जो है ना, दो तो ये हो गए, चार और ये दीवार है, टोटल आपके हो गया 6 साइड a स्क्वायर। तो क्या आएगा फॉर्मूला, 6 a स्क्वायर आएगा। लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो, 6 का 6, a का वैल्यू दे रखा है 50, फिफ्टी इंटू फिफ्टी होता है आपके 2500। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा भी आपके 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है किसका एरिया कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट जो है ना आपके क्यूबॉइड का एरिया कम है, लेसर अमाउंट जो है वो किसका है आपके क्यूबॉइड का कम है। क्वेश्चन नंबर टू आपके देर का है, ए सूटकेस विथ मेजर 80, 48 and 24, तीन अलग अलग मेजर है और एक सूटकेस है, तो किस टाइप का होता है वो, क्यूबॉइड टाइप का, क्या होता है भी आपके क्यूबॉइड टाइप का होता है, तो हम यहां पर बनाते हैं क्यूबॉइड बनाते हैं, ये हम बना रहे हैं यहां पर क्यूबॉइड। जैसे था ना क्वेश्चन नंबर वन में ऐसा कह रहे हैं यहां पर क्यूबॉइड बना रहे हैं, तो ये हो गया भी आपका क्यूबॉइड। इसकी जो लेंथ है वो तो दे रखी है 80, इसकी जो ब्रेथ है वो दे रखी है कितनी भी, आपके नाम सब दे रखा है, वैल्यू सब दे रखा है आपके, ब्रेथ दे रखी है 48 ये वाला, और हाइट दे रखी है आपके 24। इसने कहा है इज टू बी कवर्ड विथ ट्रिपल इन क्लोथ, ये चारों ओर क्या है भाई एक त्रिपाल से कवर्ड है। हाउ मेनी मीटर ट्रिपल इन टू विथ 96 रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच ए सूटकेस, आपको ऐसे सूटकेस को चारों ओर से कवर करना है, तो कवर करने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इसने क्या किया है कि बहुत बड़ा एक 96 सेंटीमीटर की मीटर मतलब 96 की विड्थ का एक त्रिपाल लेके आया, बहुत बड़ा त्रिपाल, मतलब इसको बॉक्स में सूट करने के लिए, ध्यान देना भाई ये आपका है बॉक्स, ये क्या है भाई आपका बॉक्स दे रखा है, और ये बहुत बड़ा एक त्रिपाल लेके आया, बहुत बड़ा, पता नहीं इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, इसका कह रहा है इसका जो विड्थ है ना वो 96 है, तो बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, और वो भी देखो मीटर में है, हाउ मेनी मीटर, तो आपका जो मीटर है ना यहाँ पर कितना है वो क्या करना है भी हमें फाइंड करना है। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पहले हमें देखना है कि एक सूटकेस पर कितना एरिया आएगा, फिर इसमें लिखा हुआ है 100 सूटकेस बोला हुआ है, तो पहले हमें एक सूटकेस का निकालना है एरिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान लगाना है, बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले हमें लेना है यहां पर टी एस ए लेना है ऑफ क्यूबॉइड का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था ना सेम वैसे ही लेना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी आपके 2 LB + BH + HL, ये फॉर्मूला है भी आपके टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का, तो पहले हमें इसे टी एस ए फाइंड करेंगे, तो करते हैं टी एस ए फाइंड, अब 2 का 2 LB मतलब ये दोनों 80 और 48 यहां लिखा हुआ साइज 80 × 48 + 48 × 24 + 24 × कितना आ जाएगा भैया आपके 80, करो मल्टीप्लाई और सॉल्व करो, इससे क्या होगा एक सूटकेस का एरिया आ जाएगा 0 × 0 = 6, 32 × 6 = 38, तो इस चौक छिन्नू का डबल 192 असल का 19, छिन्नू और 19 96 19 कितने होते हैं
115 जीरो 32 का 3 16 और 3 होते हैं 19। ये आएगा भाई आपके PSA ऑफ वन सूटकेस। मल्टीप्लाई करो 2 का 2 2 एंड 5 7 7 और 4 11 1 और 8 9 9 प्लस 1 10 10 और 9 होता है 19 1 2 3 3 और 3 होता है 6 कॉल करो 12 का डबल 24 9 का डबल 18 और ये आएगा भी आपके 13। ये आया है आपके एक सूटकेस का। कितना आया भाई आपके एक सूटकेस का आया है। हमें लेना है 100 सूटकेस लेना है तो हमें यहां पर लेना है TSA ऑफ 100 सूटकेस। TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। तो मैं क्या करूं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके आने वाला है 13,82,400। अब इसका एरिया और इस त्रिपलन का एरिया दोनों सेम ही है क्योंकि इसके ऊपर ये कवर आने वाला है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिपलिन या त्रिपाल जो भी बोलते हैं एरिया ऑफ त्रिपाल। त्रिपाल का मतलब ये लिखा हुआ है ये वाला त्रिपाउलिन। अब ये तो एरिया दे रखा है भाई आपके 1,38,24,00 और इसका फॉर्मूला है भाई आपके एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ लेना हमें। एल भी लेना है ध्यान रखना भाई ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। लेंथ तो भी आपको फाइंड करनी है और ब्रेथ दे रखी है 96 मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में सो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 13,82,400 अपॉन 96 का डिवाइड करो 16 का भाग दो पहले तो 16 का डिवाइड करेंगे ये जाता है आपके 6 बार 16 का भाग देंगे यहां पर तो 16 सात 128 पीछे बच गया अभी आपके 16 10 बच गया 102 हो गया 16 चक्का 96 6 16 चौक 64 7 6 4 2 0 बटा 6। देखो ये सेंटीमीटर में है अगर आपको मीटर में बदलना है ना तो 100 का डिवाइड कर दो पहले सॉल्व कर देते हैं। ये जाएगा 1 टाइम 1 बच गया तो 2 टाइम फिर 4 बच गया कितना बच गया अभी आपके यहाँ पर 4 बच गया। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा अभी आपके पहले गया 7 बार 8 बार भाग गया है पहले जाएगा 1 टाइम फिर 2 बच गया तो 4 टाइम 4 टाइम डिवाइड सही करना भाई पहले गया 1 टाइम 2 बच गया 4 टाइम फिर 4 टाइम ये तो आया है भाई आपके सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा और जैसे ही यहां पर आप 100 का डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 144 मीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है रुखसार पेंट द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट जिसका मेजर हमारे पास दे रखा है तो हमें क्या करना है इस पर पेंट करना है। अब पेंट क्या करना है इसके बाहर चारों ओर क्या करना है हमें पेंट करना है। इसने बोला है बाहर चारों ओर करना है बॉटम में नहीं करना है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। आपको जो बॉटम है ना उसमें कलर नहीं करना उसमें आपको पेंट नहीं करना है तो बताइए कितना एरिया टोटल होगा
तो हमारे पास टोटल पांच एरिया, जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं तो टोटल मुझे फोर वॉल पर पेंट करना है और एक ऊपर टॉप पर पेंट करना है, बॉटम पर पेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका एक्स एग्जैक्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट, मतलब ये चीज आपको नहीं लेना इसमें, मतलब होता है नहीं लेना है इसको छोड़कर, इसको छोड़कर बॉटम को छोड़कर आपको पूरा एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, हमारे पास टोटल फाइव साइड का एरिया लेना है, तो दो तरीके हैं। टोटल सरफेस एरिया में से आप बॉटम को क्या करो, माइनस कर दो, मतलब सिक्स साइड माइनस वन साइड इजिकल टू हो जाएगा फाइव। या फिर ऐसा कर सकते हो, आप पहले ले लो फोर वॉल और उसमें आप क्या करो, उसका टॉप ऐड कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, फोर प्लस वन करेंगे तो भी फाइव ही आता है। या तो ले लो फोर वॉल का एरिया प्लस टॉप का एरिया, या टोटल एरिया लेकर इसमें से आप बॉटम को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसमें हमारे पास तीन चीजें दे रखी है, बॉटम का एरिया ये है वन टू, इसमें आपका लेंथ है टू मीटर और ब्रेथ दे रखा है आपके वन मीटर, तो लेंथ है भाई आपके टू मीटर, ब्रेथ दे रखा है आपके वन मीटर और हाइट दे रखा है आपके 1.5 मीटर, ये हमारे पास गिवन है, डायग्राम को देखकर भी कह सकते हो। वन टू आप लेंथ ब्रेथ किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वन टू आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। तो यहां पर देखो, अगर आपको फाइंड करना है पेंटेड एरिया, अगर आपको फाइंड करना है पेंटेड एरिया, अगर आपको फाइंड करना है, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। तो मान लो मैं इससे कर रहा हूं, ए से माइनस बी, मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको लेना है, उसमें से आपको एरिया ऑफ बॉटम माइनस करना है, बॉटम के एरिया को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। अब फॉर्मूला क्या है अभी टीए से फाइंड करने का, टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एरिया ऑफ बॉटम। देखो बॉटम के अंदर ये है टू प्लस टू इंटू वन, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बोलेंगे इसको, लेंथ इंटू ब्रेथ कह देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो शुरू करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, टू का टू एल बी मतलब टू इंटू वन प्लस बी एच मतलब ये और ये लिखा हुआ यहां पर वन एंड वन पॉइंट फाइव प्लस एच एल मतलब वन पॉइंट फाइव इंटू टू माइनस एल बी, एल बी मतलब ये दोनों, ये लिखा हुआ एल बी टू इंटू वन, तो टू का टू टू वन जा टू 1.1 इंटू वन करेंगे तो 1.5 ही रहेगा आपके, और 1.5 का डबल होता है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2, 2 और 3 6, 5, 5 प्लस 1 6, 6.5, 6.5 का डबल 13, 13 माइनस 2 इजिकल टू होता है 11, अब वो मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा का आंसर। फोर वॉल का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी एच प्लस एल बी, इस वाले से भी आंसर सेम ही आता है, आप चेक कर लेना यही आंसर आपके आएगा। आप चाहो मैं बता दूं आपको चेक करके, क्या नाम है भाई आपके, टू का टू एल कितना दे रखा आपके 2 प्लस 1 एंड 1.5 2 इंटू 1। अब ये तो देखो आपके, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 3, और यहां पर भी आता है आपके 3 माइनस 2, तो ये आ रहा है अभी आपके 9 प्लस 2 करना है, 9 प्लस 2 कितना होता है आपके 11, ऐसे करो तो भी 11 आता है और ऐसे करो तो भी 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है,
Daniel is painting the wall and ceiling of a cubical hall. एक तो चारों वॉल के और सीलिंग के पेंट कर रहा है. सेम क्वेश्चन नंबर अभी जो करवाया था फोर्थ क्वेश्चन उसकी तरह सेम. एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस आप बॉटम ले सकते हो, ये टॉप वाला ले सकते हो, या फिर TSA माइनस. देखो जो मैंने अभी करवाया था ऐसा कर सकते हो. दो तरीके हैं, या तो आप कर लो कि TSA लेकर उसमें से आप बॉटम को माइनस कर दो, या फिर आप कर सकते हो कि फोर वॉल का लेकर प्लस ऊपर का जो टॉप है वो ऐड कर लो. दोनों में से जो अच्छा लगे वो करो. आंसर आपके सेम ही आने वाला है क्योंकि जो पेंट कर रहा है वो फोर वॉल पर और बॉटम पर कलर कर, टॉप पर कलर करना है. ये तो ये रहा पेंट का करना है, फोर वॉल पर करना है और सीलिंग पर करना है. इसको हम सीलिंग भी कह सकते हैं. हमारे पास साइज देर का है तो पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम. तो ये रहा भाई हमारा एक क्यूबॉइडिकल. इसको हम ऐसे ऐड कर लेते हैं, इसको ऐसे आप ऐड कर लो. इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट आपके दे रखी है कितनी बताओ, 15 10 और 7. 15 10 एंड ये दे रखा है भाई आपके 7. अब ये बोला है कि हमें कैन चाहिए 100 मीटर स्क्वायर का कैन, मतलब एक कैन के अंदर जितना पेंट आता है उससे आप 100 मीटर स्क्वायर तक पेंट कर सकते हो. तो बताना है कि आपको कितने पेंट के डब्बे चाहिए. वो पेंट वाला काम बाद में, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम पेंट के बारे में देखेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ध्यान देना अभी, हमें लेना है ये पेंट का एरिया. एरिया ऑफ किसका लेना है, एक तो हमें देखो वॉल है प्लस आपके क्या दे रखा है सीलिंग. अब वॉल और सीलिंग का एरिया मतलब फोर साइड प्लस टॉप का एरिया आपको लेना है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी आपके, एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी एच प्लस एल. या तो ऐसे कर लो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. ये तरीका ना ये वाला, टोटल एरिया में से आप बॉटम को माइनस कर दो. जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो. मैं इस तरीके से कर रहा हूं, दोनों तरीके दोनों अपना रहा हूं. देखो लेंथ कितनी है 15 है, ब्रेथ कितनी है 10 है, हाइट कितनी दे रखी है 7 दे रखी है. लेंथ 15, ब्रेथ 10. तो देखो 2 × 7 करेंगे तो आएगा 14 और इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 25. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आता है आपके 150. इन दोनों मल्टीप्लाई 25 4 जा होता है 100, 0 10 आएगा, 25 प्लस 10 होता है 35 प्लस, तो ये आपके आने वाला है 500 मीटर स्क्वायर. अब ये बोल रहा है कि भाई 100 मीटर स्क्वायर में एक डब्बा लगता है, तो बताना है कि हाउ मेनी केन. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ केन. क्या करना है फाइंड करना है नंबर ऑफ केन, क्या करना है हमें फाइंड करना. फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई आपके, एरिया ऑफ पेंटेड एरिया. एक तो लेना है आपको पेंटेड एरिया कितना है और एक लेना है आपको एरिया ऑफ वन केन. एक केन में कितना एरिया कवर होता है आप लिख सकते हो एरिया कवर इन वन केन. देखो टोटल एरिया जो है वो आया है भाई आपके 500 और केन जो यूज हो रहा है एक केन के अंदर कितना आता है भाई आपके 100 आता है. तो क्या 100 का डिवाइड लगा देंगे तो आपका आंसर आएगा 5. मतलब हमें 5 केन की आवश्यकता है, 5 केन की क्या हो जाएगी जरूरी रिक्वायरमेंट. 6 नंबर देर का है, डिस्क्राइब हाउ
the two figure are right or alike and how they different. ये दोनों different कैसे? क्योंकि वो cube है और ये cylinder है और कुछ भी नहीं है, cube है और ये cylinder है. Which box has larger lateral surface area? एरिया मतलब होता है चार ओवर का एरिया. लिटरल का मतलब होता है CSA. इसका CSA और इसका एरिया ऑफ फोर बॉल, जिसको बोलते हैं एक ही नाम होता है लिटरल सरफेस एरिया. देखो भाई लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो है ना वो होता है CSA, या इसका नाम हम कह सकते हैं कि ये जो है ना एरिया ऑफ फोर वॉल भी कह सकते हैं. एरिया ऑफ फोर वॉल, जैसे मैं एक रूम में खड़ा हूं, अगर ये रूम में चार दीवारें हैं ना तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल. अगर यही मैं किसी पाइप के अंदर हूं और चार ओर का भाग जो है ना वो गोल है तो वहां पर हम बोलेंगे CSA. लेकिन दोनों का मेन नाम जो है वो LSA. जैसे कक्षा के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, अगर गर्ल्स है और एक होता है बॉयज, अगर हम कोई आता ना कोई बाहर से कोई बच्चा आया के बोल रहा है क्लास के अंदर के गर्ल्स को बुला रहा है या बॉयज को बुला रहे हैं, तो बॉयज को बुलाएगा तो बॉयज आएगा, गर्ल्स को बुलाएंगे तो गर्ल्स जाएगी, और दोनों का एक साथ नाम अगर हम लें तो वो आता है भाई आपके स्टूडेंट. LSA के अंदर दोनों आते हैं, स्टूडेंट के मतलब दोनों आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं और बॉयज भी आते हैं. तो LSA का मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए, LSA का एक्चुअल मतलब क्या है. ये वाला तो हमें इसका तो ज्ञात करना है CSA, उसका ज्ञात करना है आपको एरिया ऑफ फोर वॉल ज्ञात करना है. ज्ञात करो, देखो सिंपल सा है. सबसे पहले हम लेते हैं लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका मतलब होता है CSA कह सकते हो. क्या कह सकते हो भैया? CSA ऑफ सिलेंडर कह सकते हो. फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2πRH होता है. अब RH हमें निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान देना भी. R, अब हमारे पास दे रखा है डायमीटर, R छोटा होता है ध्यान रखना भाई. जैसे ये डायग्राम दे रखा है ना, ये गोला है, R आपके इतना होता है, R होता है छोटा आधा, हाफ डायमीटर का हाफ कर देंगे तो बताओ भाई R कितनी आ जाएगी? R आ जाएगी आपके 7 का हाफ कर देंगे, ये तो आ जाएगी भी आपके रेडियस. और जो हाइट है, हाइट हमारे पास दे रखी है 7. ये दोनों वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर हमारे पास दे रखा है 7/2 और हाइट दे रखा है आपके 7. सॉल्व करेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा. देखो भाई 7 से 7 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल. अगर आप दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो, 22 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें मिलता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है. तो ये आ जाएगा इसका एरिया ऑफ फोर वॉल. LSA बोलते हैं या बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया. अब हमें उसका फाइंड करना है LSA, तो ध्यान रखना भाई. अब हमें लेना है LSA ऑफ क्यूब. अब LSA का मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल. वो क्यूब है, 1 वॉल का 1 A² 2 वॉल का 2 A² 3 A² 4 A², तो ये आ जाएगा भी आपका 4 A² आ जाएगा. सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना भाई. 4 का 4, A का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 7. 4 का 4, 7 का स्क्वायर होता है 49. अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया था आपके 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बोला हुआ है कि भाई विच बॉक्स हैज लार्जर, ज्यादा किसका आ रहा है? तो ज्यादा आ रहा है आपके क्यूब, क्यूब का आ रहा है. आपका जो आंसर है ना वो क्या हो जाएगा भी आपके क्यूब, क्यूब हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, एक टैंक है, कैसा है भी टैंक? सिलेंड्रिकल टैंक है.
तो ये रहा भाई एक सिलेंड्रिकल टैंक, इसको ऐसे मिला लेते हैं, क्लोज है, चारों ओर से पैक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, अभी सेवन है। इसकी जो रेडियस है आर जो है वो कितना देर का, अभी सेवन। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, अभी आपके थ्री है। इसकी जो हाइट है वो दे रखी है भाई आपके थ्री दे रखी है। मेड फ्रॉम सीट मेटल, सीट ऑफ मेटल, मेटल से बना हुआ है, ऐसा डब्बा बनाया है, मेटल का डब्बा बनाया हुआ है आपके। तो हमें बताना है कितना मेटल इसमें यूज हुआ, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सरफेस एरिया, कितना मेटल इसमें लगेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा TSA, TSA ऑफ सिलेंडर आपको लेना पड़ेगा। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ये चार ओर का एरिया बताओ, फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, 2πRH+R, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए भाई, देखो ध्यान कैसे निकला है फॉर्मूला। देखो 2πRH तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, ये रहा, इससे चार ओर का एरिया आपके आ जाता है। फिर ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल इसमें अगर मैं ऐड करूंगा, एक सर्कल को बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, टू का टू हो जाएगा। अब दोनों में 2πR क्या आ रहा है आपके, कॉमन आ रहा है, इधर H एक्स्ट्रा इधर R एक्स्ट्रा है, तो ये बन गया भी आपका फॉर्मूला। बस अब वैल्यू पुट करो तो आंसर आपको मिल जाएगा, 2 का 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, R का वैल्यू हमारे पास देर का है 7, H का वैल्यू हमारे पास देर का है 3, R का वैल्यू हमारे पास देर का है 7। जैसा है वैल्यू पुट करते रहो, अब जो कटे वो काट दो। तो देखो 7 से 7 कट गया, बाकी तो फिर आपको लिखना है 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 44, और अगर यहाँ दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई आपके 10 आता है, ये आ जाएगा भाई आपके 440 मीटर है, तो क्या आएगा भाई आपके मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 आपके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंड्रिकल, मतलब एक ऐसा आपके सिलेंडर है इस टाइप का, ये खोखला है अंदर से, पूरा को पूरा खोखला है, ढक्कन नहीं है ऊपर, खोखला है कंप्लीट। कट अलोंग द हाइट, ध्यान देना इसको ऐसे कट कर दिया, हाइट के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, और कट करते ही क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। देखो आप ऐसा देखो, ध्यान देना भाई, ये डायग्राम देखा आपको, ये डायग्राम देखो, अगर मैं इसको यहां से काटूंगा, जैसे है ना सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर को जैसे ही हम काटते हैं ना तो ये बन जाता है रेक्टेंगल। सिलेंडर को बीच से काटेंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप ध्यान दो, देखो यहां पर ये सिलेंडर है, सिलेंडर को जैसे ही काटेंगे तो क्या बन जाएगा भाई आपके, रेक्टेंगल बन जाएगा। वही पोर्शन सेम सिलेंडर होता है और वही पोर्शन क्या होता है आपके, रेक्टेंगल होता है। अगर इसको काटेंगे यहां से बीच में से तो काटेंगे तो बन जाएगा भाई ऐसा पोर्शन। इसका मतलब इसका CSA और इसका एरिया दोनों सेम है, तो जैसे ही काटेंगे ना तो ऐसा बन जाएगा। इसका तो CSA पार्ट जो है ना वो ऐसा हो जाएगा इस टाइप का। अब ये बोल रहा है कि इसका जो लिटरल सरफेस एरिया है, मतलब ये वाला, इसको हम LSA भी बोल, इसको हम CSA कह दो या इसको आप LSA कह दो, बात एक ही है, ये वाला इससे बना हुआ है। इसकी जो विड्थ है वो दे रखी है 33, इसकी जो विड्थ है ना वो कितनी दे रखी है 33 दे रखी है। तो बताना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका इसका रेक्टेंगल ज्ञात करना है हमें, ये वाली लाइन क्या करनी है, फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी, थोड़ा ध्यान देना भाई, यही 33 यहां है सेम, क्योंकि इसी को हमने काटा हुआ है, ये और ये क्या है भाई आपके, बिल्कुल सेम चीज है। तो हम यहां पर लेंगे, यहां पर LSA ऑफ सिलेंडर, LSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगा। अब बताइए फॉर्मूला क्या है, ये वाला पार्ट का हमारे पास एरिया दे रखा है 4224 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है आपके लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। ये तो है 4224 लेंथ हमें फाइंड करनी है और उसमें जो ब्रेथ है ये काटा हुआ जो है ना 33 की हाइट में काटा हुआ है, कैसे काटा ना था? ये लाइन यहां आ गई आपके 33। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में तो आपके जो लेंथ है वो आएगी 4224/33। अब दोनों में 11 का डिवाइड जा रहा है, कटे तो काटना है, देखो ध्यान देना भी। देखो ये डिवाइड जा रहा है आपके 3 टाइम और ये डिवाइड जा रहा है 11 का 3 टाइम, 9 बज गया, 8 टाइम, 4 बज गया, 4 टाइम। अब हम करते हैं यहां पर डिवाइड करते हैं, अपॉन में 3 करेंगे करो डिवाइड, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 बज गया तो 8 टाइम, ये आ गई लेंथ। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है। हम यहां पर फाइंड करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बताओ फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट L+B, ये फॉर्मूला है आपके पेरीमीटर फाइंड करने का, 2 का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ तो आपके आ चुकी है कितनी 128 और जो ब्रेथ है वो दे रखी है आपके 33, दोनों को ऐड करो मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 33 + 128 कितना होता है अभी 33 होता है 161। तो ये 2 होता है, ये भी 2 होता है, 1 है तो ये 3 आ जाएगा मीटर, मीटर तो मीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर है तो क्या आएगा भी आपके सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ए रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब 750 चक्कर जब काटेगा ना तब जाके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा रोड बिल्कुल सीधा हो जाएगा, उसके लिए आपको 750 चक्कर काटने पड़ेंगे तब जाके पूरा का पूरा जितना रोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चक्कर काटना है, देखो चक्कर कौन काटेगा ध्यान देना भी, चक्कर आप काटेगा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला ऐसे मान लो ये सिलेंडर है, हाँ ये सिलेंडर ये वैसे ऐसा ये गोल काटेगा ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं CSA या इसको बोलते हैं LSA, ये वाला जो पार्ट है ना ये वाला घूमेगा, इसको ऐसे भी बना सकते हो। इसमें लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया फाइंड करना है। अब रोड का एरिया किसके बराबर है 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन के बराबर है। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 84, हमारे पास दे रखा है डायमीटर दे रखा है अभी आपके 84 दे रखा है, डायमीटर मतलब होता है ये पूरा लाइन। और अगर आपको आर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा 84 के अंदर 2 का डिवाइड करना पड़ेगा तो आपके आएगा 42 और इसकी जो लेंथ है ना वो दे रखी है आपके 1 मीटर। देखो अगर ऐसा गिनेंगे तो लेंथ आएगी 1 मीटर, इसको अगर ऐसा कर देंगे तो हाइट हो जाएगी। अब ये मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है तो दोनों या तो मीटर में लो या दोनों सेंटीमीटर में। तो अगर आपको लगता है कि देखो बहुत ज्यादा चक्कर काटते हैं वैसे भी आंसर आपका बहुत बड़ा है, ऐसा अच्छा है कि पहले मीटर में ही ले लो, तो ये तो है आपका सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर में होता है आपके 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमारे पास है मीटर लाना, मीटर कम होता है डिवाइड करना पड़ेगा, आर का वैल्यू आ जाएगा 42/100 तो ये आएगा भाई आपके 0.42। अब आर आ चुका है हमारे पास, हाइट आ चुका है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो पहले हम क्या करेंगे इस राउंड को फाइंड करेंगे, इसको हम बोलते हैं LSA, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी फाइंड किया था,
हमें फाइंड करना है एल एस ए कह दो या उसे कह दो सी ए से, बात एक ही है। इसका लेना हमें सिलेंडर का फॉर्मूला, आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला है भाई आपके 2πRh, यह है एक राउंड का, वन रेवोल्यूशन भी हम बोलते हैं। 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और जो R है, R हमारा दे रखा है 0.42, और जो हाइट है, हाइट ये दे रखा है कितना 1। अब देखो भाई 7 का डिवाइड यहां जाता है आपके 6 टाइम, और एक और एक दो छोटे लगेगा यहां पर आपके पॉइंट 0.06 आ जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करो, ये होता है 44 × 0.06, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6×4=24, 24 × 2 = 26, 1 and 2 छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा आपके मीटर स्क्वायर। ये आता है एक राउंड में, एक राउंड का आया है, इसको हम वन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। और अगर आपको रोड का एरिया फाइंड करना है, अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रोड, उस रोड का एरिया जो है ना, रोड को लेवल करना है तो आपको इतना चक्कर काटना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा है, 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, अब देखो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो इसको तो मान लो आप डबल, इसको मान लो आधा, फटाफट हो जाएगा, 15 30 1 0 13 45 3 होता 48 4 15 4 19। अब 10 यहां से आया, 10 वहां से आया, दो छोटे लग जाएगा पॉइंट, आप मल्टीप्लाई करना है आपको 10 यहां से, 10 यहां से, वो 0 यहां लगेगा एक। अब लगाना पड़ेगा आपको पॉइंट, हमारा आंसर आएगा 1980 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, एक कंपनी है पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर, देखो ये है ना पाउडर मिल्क कैसा लिखा हुआ, ऐसा डायग्राम ऐसा बनाती है वो, इस टाइप का ऐसे, इस टाइप का बनाती है, ये वाला ना, ये वाला है, ये वाला केवल पाउडर मिल्क लिखा ना, ये पत्ता चारों वो चारों वाली पेज बनाती पत्ता, मतलब ये एक ऐसा एक डब्बा बनाती है, डब्बा नहीं बना रही, केवल कंपनी का नाम लिखने के लिए पेपर बना रहे चार और पेपर। अब देखो टोटल लेंथ जो है ना वो 20 है, मतलब ये यहां से लगाकर यहां तक 20 है, लेकिन हमें तो बस ये चाहिए। अब देखो 2 तो यहां पर गैप है और 2 आपका इधर गैप है, तो 2 जाएगा इधर से और 2 जाएगा आपके इधर से, तो ये हो जाएगा भाई आपके 16 हो जाएगा, 20 − 2 = 18, 18 − 2 हो जाएगा आपके 16। तो ये जो है ना बीच वाला लिखा हुआ है पाउडर मिल्क, बस यही चीज बनाती है, मतलब ये पत्ता ना चारों ओर पेज कंपनी का नाम लिखा हुआ, तो वो बनाती है ये वाला। इसका जो डायमीटर है वो कितना देर का है, 14, ये डायमीटर 14 है, ये जो डायमीटर है वो कितना देर का है, अभी 14 देर का, बताओ आर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा 14 ½ जो होता है आपके 7, और ये केवल चार ओवर का एरिया ही बनाती है, ओनली चार ओवर का एरिया, तो हम बोलते हैं एलएसए बोलते हैं या सीएसए कह दो, एक ही बात है। तो कंपनी पहले से लेबल, एक लेबल लगाती है चार ओवर अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर, द लेबल इज प्लेस्ड 2 cm फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ऊपर से 2 और नीचे से भी 2, थोड़ा जगह रखती है, बीच में वो पत्ता आता है वो कंप्लीट, बताना है एरिया ऑफ लेबल क्या करना है, हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ लेबल। लेबल मतलब ये हो गया भाई, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, सीएसए ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हो, इसको कह सकते हैं कि ये क्या है,
CSA ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं, या इसे आप LSA ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला है भाई आपका 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आता है तो आराम से कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि चार ओवर का एरिया फाइंड करना है तो उसे 2 पाई आर एच कहते हैं। 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर इंटू एच, ये रहा आर और ये रहा एच, 16, कटे दो कार दो, बाकी लिखना है। देखो भाई 7 से 7 कैंसिल, बाकी तो भाई आपको मल्टीप्लाई करना है। 22 का डबल होता है 44 और 16 है ये, करो मल्टीप्लाई, 16 4 जा 64 6 64 और 6 होता है 70 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।